अंधेरों की खामोशी, शब्दों के मौन, अपने मन के अलावा समझे कौन। किसी दूसरे की मन की बात जानना या पढ़ना इतना भी आसान नहीं, कठिन है पर नामुमकिन नहीं। आज की कहानी नहीं है, मेहर बाबा के जीवन की हकीकत है, जो सदा तामर मौन रहे, लेकिन उनका मौन मुखर था। फर्ज करें, यदि अस्तित्व की बनाई दुनिया ऐसी होती कि सबके पास ऐसी पावर होती कि दूसरे के मन के विचार पढ़ पाते, तो मंजर क्या होता। हर नए क्षण में, हर घर में, हर कोई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते, खून की नदियां बन बह रही होती। हर कोई अपनों की हकीकत अगर जान जाता तो मंजर ही कुछ और हो। अस्तित्व ने, इस ब्रह्मांड ने शक्तियां गुप्त रखी, यकीनन विराट मकसद होगा। कई गहरे राज हैं जो गहरे ध्यान की समाधि की अवस्था में उजागर होते हैं। जब मन निर्मल होता है, प्रज्ञा जागती है। जैसे बुद्ध भगवान अत्यंत कठोर तपस्या करने के बाद जब वह बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, उनका मन, उनका चित्त अत्यंत करुणावान हो गया। नहीं तो स्वयं के चचेरे भाई को, अंगुली माल जैसे हत्यारे को माफ कर पाना हम जैसे आम इंसान के बस की बात तो नहीं। बड़ा मुश्किल है उस इंसान को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं। मेहर बाबा अपने जीवन के अधिकांश समय, लगभग 43 वर्ष मौन ही रहे। उनका मौन अत्यंत मुखर था। वह अपने इशारों, भाव भंगिमाएं और उंगलियों के इशारों से कहते थे। मेहर बाबा एक रहस्यवादी सिद्ध पुरुष थे। मेहर बाबा के भक्त उन्हें परमेश्वर का अवतार मानते थे। वे आध्यात्मिक गुरु, सूफी, वेदांत और रसमय दर्शन से प्रभावित थे। मेहर बाबा का जन्म 25 फरवरी 1894 में पुणे में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम मेहरवान एस ईरानी था। वह एस मुदेगर ईरानी के दूसरे नंबर के पुत्र थे। जन्म से वह एक पर्सियन थे। उनकी बचपन की पढ़ाई क्रिश्चियन हाई स्कूल और पोस्ट ग्रेजुएट पुणे रिसर्च कॉलेज से हुई। मेहर बाबा एक अच्छे कवि और वक्ता थे तथा उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। 19 वर्ष की आयु में उनकी मुलाकात रहस्यदर्शी महिला संत हजरत बाबा जान से हुई। यह एक सूफी बूढ़ी औरत बाबा जान नाम से प्रसिद्ध थी। मेहर बाबा का जीवन जो बदला, वह यह सूफी फकीर बाबा जान के मेहर बाबा के माथे पर चुंबन से बदल गया। मेहर बाबा अपने स्कूल से वापस आते हुए गुजर रहे थे। बाबा जान एक बूढ़ी सूफी फकीर थी और एक बूढ़ी औरत जो वर्षों से एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। स्कूल से मेहर बाबा आ ही रहे थे कि बाबा जान ने उन्हें बुलाया। वह फकीर को जानता था। वह वर्षों से पेड़ के नीचे बैठी थी और वह रोज अपने स्कूल और अपने घर की ओर आते जाते समय उस सड़क को गुजरता था। उस बाबा जान ने, बूढ़ी सूफी फकीर ने मेहर बाबा को पुकारा और वह पास आ गया। और फिर बूढ़ी औरत बाबा जान ने उसे चूमा और वह वहीं गिर पड़ा, मानो जैसा मेहर मर गया हो। फिर उसे घर ले जाना पड़ा। 1 साल तक लगातार चुंबन का असर उन पर बना रहा और लोगों के लिए वह कोमा में थे। यहीं से मेहर बाबा का जीवन बदल गया। फिर कई संतों से मिले और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में वह बढ़ते चले गए। आत्मज्ञान के बाद वह मृत्यु तक आजीवन मौन ही रहे। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्टेशन से 6 मील दूर एक मेहराबाद की पहाड़ी पर अवतार मेहर बाबा की समाधि स्थल है। मेहर बाबा घूरने के जरिए आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए थे, लेकिन मेहर बाबा लगातार 3 वर्षों तक बिना कुछ किए छत को घूरते रहे थे। मेहर बाबा घूरते रहे, धीरे धीरे उनके विचार इसी ध्यान विधि से विचार मिट गए और गति उनकी बंद हो गई। मेहर बाबा मात्र चेतना रह गए। वे मात्र घूरना बन गए, टकटकी बन गए। उसके बाद वह आजीवन मौन रह गए। टकटकी के द्वारा वे अपने भीतर इतने शांत हो गए कि उनके लिए फिर शब्द रचना असंभव हो गई। अगर आप सिर्फ 3 मिनट के लिए ऐसी टकटकी लगाओ और आपको लगेगा कि 3 वर्ष गुजर गए,
3 मिनट भी बहुत लंबा समय मालूम होगा। आपको लगेगा कि समय ठहर गया है और घड़ी बंद हो गई है। आँखों के घूरने के कारण वह उनकी तीसरी आँख, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, उसमें स्थित हो जाते थे। और एक बार आपकी अगर आँखें तीसरी आँख में स्थिर हो गए तो चाहने पर भी आप अपनी पुतलियाँ नहीं घुमा सकते, वह स्थिर हो जाती हैं एकदम अचल। यह मेहर बाबा की विधि थी। वह लगातार पुतलियों को घुमाए बिना एक टक घूरते रहे। वर्षों वे अपने कमरे की छत को घूरते रहे, निरंतर ताकते रहे। वर्षों तक वह जमीन पर मृतवत पड़े रहे, पुतलियों को आंखों को हिलाए बिना छत को एक टक देखते रहे। ऐसा वे लगातार घंटों बिना कुछ किए घूरते रहते थे, टकटकी लगाकर देखते रहते थे। और घंटों मेहर बाबा समाधि की अवस्था में पड़े रहते थे। एक दफ़ा जब मेहर बाबा अमेरिका में थे, अमेरिका में एक आदमी था जो दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने में बहुत कुशल था। वह एक माइंड रीडर था। वह हमेशा 100% सही होता था। वह आपके सामने बैठेगा, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और सोचना शुरू कर देंगे तो वह अपनी आंखें बंद कर लेगा और जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में बात करना शुरू कर देगा। जैसे ही आप सोचेंगे, विचार स्थानांतरित हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा और वह उसे प्राप्त कर लेगा। यह एक कला है, इसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। इसे सीखा जा सकता है, आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि विचार एक सूक्ष्म कंपन है, तरंग है। यदि आप बहुत सूक्ष्म ग्रहणशील हैं तो दूसरा मन एक प्रसारण केंद्र बन जाता है और आप रिसीवर बन जाते हैं। यदि आप पर्याप्त रूप से मौन हैं, ग्रहणशील हैं, तो आप उन्हें पकड़ सकते हैं। वह जिसके भी सामने बैठता आँख बंद कर लेता और कुछ ही क्षणों में वह ऐसा लयबद्ध हो जाता कि सामने वाला व्यक्ति जो भी मन में सोचते वह उसे लिख डालता और 1000 बार उसकी परीक्षा ली गई और वह सदा सही साबित हुआ। वह सब विचार पढ़ लेता। यह व्यक्ति कई वर्षों तक मौन में रहा। वह आदमी मेहर बाबा के सामने बैठ गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान किया और फिर आंखें खोलता और मेहर बाबा की ओर देखने लग जाता। इसमें उसे बहुत अधिक समय लग गया। लोग चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, आपने कभी इतनी देर नहीं लगाई। उस आदमी ने कहा, अच्छा क्या करें, यह आदमी कुछ सोच ही नहीं रहा है, कोई विचार नहीं है। मेहर बाबा के सामने वह बैठा और विफल हो गया और यह उसकी ज़िंदगी की पहली विफलता थी, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि यह उसकी विफलता हुई। वह आदमी घूरता रहा मेहर बाबा को घूरता रहा और तब उसे पसीना आने लगा, लेकिन एक शब्द उसके हाथ नहीं लगा। वह हाथ में कलम लिए बैठा रहा और फिर मेहर बाबा से बोला, किस किस्म का आदमी है, इन्हें मैं नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। यह आदमी तो बिल्कुल खाली है, मुझे यह भी याद नहीं रहता कि यहाँ कोई बैठा है। आंख बंद करने के बाद मुझे बार बार आंख खोल कर देखना पड़ता है कि यह व्यक्ति यहाँ है कि नहीं। यह यहाँ से हट गया है, मेरे लिए एकाग्र होना भी कठिन हो गया है, क्योंकि जो ही मैं आंख बंद करता हूँ कि मुझे लगता है कि धोखा दिया जा रहा है, वह व्यक्ति यहाँ से हट जाता है। मेरे सामने कोई भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति यहाँ से हट जाता है, मेरे सामने कोई भी नहीं है। और जब मैं आँख खोलता हूँ तो उसको सामने ही पाता हूँ। वह तो कुछ भी नहीं सोच रहा, मेहर बाबा तो कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं। उस सतत टकटकी ने मेहर बाबा के मन को पूरी तरह विसर्जित कर दिया था। मन की कोई छाया भी नहीं थी। मेहर बाबा का बिना बोले ही मौन मुखर था। मेहर बाबा 30 साल मौन रहे। मेहर बाबा 30 साल से ज़्यादा मौन रहे। कोई दूसरा व्यक्ति इतने लंबे अरसे तक मौन नहीं रहा। महावीर सिर्फ 12 साल तक मौन रहे। मेहर बाबा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 30 साल मौन रहना अत्यंत दुर्लभ घटना रही होगी। वे अपने हाथों की मुद्राएं बनाते थे। मेहर बाबा अपने हाथ की इशारे और मुद्रा से बोले, चेहरे की भाव भंगिमा इशारों से बोले। और 30 साल बाद जो किताब प्रकाशित हुई उसका शीर्षक बड़ा अजीब था, जैसा कि होना चाहिए था। उसका शीर्षक था गॉड स्पीक, ईश्वर बोलता है। यह एक अद्भुत किताब है जो मौन से प्रकट हुई थी। तख्ती पर उंगलियों के इशारे से बाबा ने ऐसी कई किताबें लिखवाई। मेहर बाबा का मौन एक रिकॉर्ड है। मेहर बाबा मौन में जिए और मौन में मरे। उन्होंने कभी बात नहीं की, लेकिन उनका मौन ही प्रखर वक्तव्य था। उनकी अभिव्यक्ति उनका गीत था।
इस अर्थ में किताब का शीर्षक अजीब नहीं है। गॉड स्पीक्स, ईश्वर बोलता है। दोस्तों, जीवन के मन के जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी दुख तकलीफें प्रश्न हैं, बस सिर्फ मौन रहने से ही समाधान मिलता है। दोस्तों, आजकल ढोंगी बाबा जो दूसरों का मन पढ़कर उनकी दर्द तकलीफ भगाने का प्रयास कर रहे हैं, यह खेल अत्यंत भयानक हो सकता है। जानने वाले के लिए तो यह खतरनाक है ही, लेकिन बताने वाले के लिए भी अत्यंत खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। धूत बाबाओं से दूर रहना ही, उनके चुंगल में ना फंसना ही समझदारी है। दूसरों का मन पढ़ने के लिए अत्यंत शांत मौन अवस्था जरूरी है, जहाँ प्रेम करुणा का वास हो, साक्षी भाव हो, अत्यंत कठिन तपस्या साधना से गुजरा हो। अस्तित्व प्रकृति हर किसी के लिए अपने द्वार नहीं खोलता, और जो इसका गलत उपयोग करते हैं उनको अस्तित्व एक न एक दिन दंड जरूर देता है। कृपया ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखें और सही मार्गदर्शन लें, और किसी भी ऐसे व्यक्तियों के चक्रव्यूह में ना फंसें, क्योंकि ना उनको खुद पता है ना आपको पता है कि कौन क्या किस अवस्था से गुजर रहा है। सब एक माया जाल है। जितना ज़्यादा ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखें, उतना ही आपका जीवन सही दिशा की ओर अग्रसर होगा। अगर पाखंडी बाबाओं और धूर्तों के जाल से बचना है तो अपनी बुद्धि का उपयोग अवश्य करना सीखें। दोस्तों, यह वीडियो से कुछ सीखने मिला तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।